हम अपने अंदर शिव को जागरूक रखना चाहते हैं तो पहले हमें आश्रम बनना चाहिए। उसके लिए तपस्या होती है, उसके लिए मेहनत होती है। बगैर मेहनत के कार्य नहीं, बगैर मेहनत के मैंने आपकी कुंडलिनी नहीं जगाई है, ये समझ लेना चाहिए। कहने को तो ठीक है कि स्वभाव है, स्वभाव तो हजारों वर्षों से रहा है, लेकिन कुंडलिनी जो जगाई है बड़ी मेहनत की, मैंने भी बड़ी तपस्या की, उस मेहनत की वजह से ही आज आप हजारों के तादाद में पार हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, अब भी बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ कि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि एक मैं साल में दो तीन दिन से आती हूँ, उस दिन भी आप यही कहते हैं कि माँ चार बजे आप शिवरात्रि करिए। कुछ भी अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी, हम अपने शरीर को जब तक इसमें जीतेंगे नहीं तब तक इसमें मंदिर कैसे बनेगा। सहयोग उतने लोगों के लिए नहीं, गहनता इसमें चाहिए, और गहनता ऐसी चाहिए कि गंभीरता से ठहरेपन से रोज आपको ध्यान करना चाहिए रोज। जब तक आप इसकी कीमत नहीं करेंगे